हे नमस्ते दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑलवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा मूवीज़ की कुछ अपडेट न्यूज़ों के बारे में। सो वीडियो पर आगे तक बने रहना। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स गो स्टार्टेड। दोस्तों, इस वीडियो की पहली जो हमारी न्यूज़ आती है वो आती है कंचना 2 हिंदी रीमेक मूवी को ऊपर। इस मूवी में अक्षय कुमार हमको मेन रोल में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बहुत जल्द अक्षय तमिल की सुपरहिट हॉरर कॉमेडी फिल्म कंचना 2 की हिंदी रीमेक में नजर आने वाले हैं। हिंदी में इस फिल्म का नाम लक्ष्मी रखने का फैसला लिया है। इस फिल्म में अक्षय के अपोजिट में कियारा नजर आने वाली हैं। और न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताऊं तो इस मूवी की शूटिंग सोमवार से स्टार्ट होगी, मतलब कि 22 अप्रैल 2019 को इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी। इसी बीच ऐसी भी खबर आ रही है कि फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले इसके स्क्रिप्ट में बदलाव किया गया है। जहाँ ओरिजिनल फिल्म में हीरो थोड़ा सा डरपोक होता है, वहीं अक्षय का किरदार बिल्कुल निडर है, जो कि भूतों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। कियारा इस फिल्म में अक्षय की पत्नी का रोल अदा करेगी। इस फिल्म में अक्षय पर भूत का साया होगा। और आपका कंचना 2 हिंदी रीमेक में क्या कहना वो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की ओर। तो दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार अरबाज खान 19 साल तक पत्नी मलाइका अरोरा के साथ रहने के बाद मई 2017 में अलग हो गए। दोनों ने जब इस बात का ऐलान किया कि ये अपना साल पुराना रिश्ता ख़त्म करने जा रहे हैं, तो हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि मलाइका अरोरा और अरबाज खान दोनों की ज़िंदगी में दुख के बादल छट चुके हैं और एक नया सूरज उगने का जा रहा है। जब मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर की शादी की खबरें लगातार मीडिया में आ रही हैं, वही अब अरबाज खान ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो दोबारा शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, इस बात से पता चल रहा है कि अरबाज खान अब दोबारा शादी करने के लिए तैयार हैं। वहीं अरबाज खान का नाम इस समय एक विदेशी महिला जॉर्जियो से जुड़ रहा है, जिनके साथ वो लगातार स्पोर्ट हो रहे हैं। कुछ समय पहले अरबाज खान ने खुद ही यह बताया था कि वो जॉर्जियो के साथ रिश्ते में हैं और ज़िंदगी को नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि अरबाज खान जॉर्जियो से शादी करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अगली जो हमारी न्यूज़ आती है वो आती है कामसो 3D मूवी की सेलिब्रिटी सायरा खान के ऊपर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शुक्रवार को सायरा खान का दिल का दौरा पड़ने से सायरा खान की मृत्यु हो गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सायरा खान अब हमारे बीच नहीं रही हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा था और उससे उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर ने ये भी बताया कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन थी और बॉलीवुड में वो काफ़ी मुश्किल से आई थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी करती थी। तो उनकी मृत्यु को लेकर आपको क्या कहना आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, अगली जो हमारी न्यूज़ आती है वो आती है अजय देवगन की दे दे प्यार दे मूवी को ऊपर। इस मूवी का कुछ दिन पहले पहला गाना रिलीज हुआ था, जिस पर 6 लाख से भी ऊपर व्यू आ चुके हैं। और अब इस मूवी का दूसरा गाना रिलीज होने जा रहा है, जिसका नाम है तू मिला तो है ना। इस गाने का टीजर रिलीज हो चुका है और इस गाने के टीजर में अजय देवगन अपने स्कूल पार्टनर के साथ रोमांस करते नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये गाना रिलीज होगा 22 अप्रैल 2019 को, मतलब कि कल ये गाना रिलीज होगा। तो दोस्तों, अगली जो हमारी न्यूज़ आती है वो आती है अक्षय कुमार की धमाकेदार मूवी सूर्यवंशी के ऊपर। दोस्तों, इस मूवी में हीरोइन को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस मूवी में हीरोइन को नहीं फिक्स नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां पर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि इस मूवी में कौन सी हीरोइन को लिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये फाइनली तय हो गया है कि इस मूवी में कैटरीना कैफ को लिया जाएगा। और यहाँ तक कि कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार ने इस मूवी की पोस्टर की शूटिंग भी कम्प्लीट कर ली है। दोस्तों, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ हमको नमस्ते लंदन, तीस मार खान, देव दनादन, सींग इज बिलिंग और वेलकम जैसी फिल्मों में एक साथ देखने को मिले हैं। लेकिन करीब करीब 9 साल तक वो हमको एक साथ किसी भी फिल्म में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अब सूर्यवंशी फिल्म में वो दोनों हमको एक साथ देखने को मिलेंगे। तो आपका इस बारे में क्या कहना वो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस की। तो यहाँ पर बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल फिल्म चल रही है कलंक। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी में आलिया भट्ट और वरुण धवन हमको एक साथ जोड़ी में देखने को मिलते हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले पता चल रहा था कि ये मूवी काफ़ी हिट जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। इस मूवी को 4 दिन रिलीज हुए हो गए हैं और आज मैं आपसे बात करूंगा इस मूवी के कलेक्शन के बारे में। तो इस मूवी ने 3 दिन में कमाए 44 करोड़ और 4th दिन कमाए 9 करोड़। तो ये कोई बड़ी कमाई है नहीं। इस मूवी ने बुधवार को कमाए थे 21 करोड़, गुरुवार को कमाए थे 11 करोड़, शुक्रवार को कमाए थे 11 करोड़ और शनिवार को कमाए थे 9 करोड़। और टोटल बात करें तो इस मूवी ने करीब करीब 54 करोड़ की कमाई कर ली है। तो ये है अब तक की कलंक की कमाई।
तो देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी ट्रेंडिंग पर थी बट अब ट्रेंडिंग से भी गिर चुकी है, तो मुझे नहीं लगता अब इस मूवी की कोई ज़्यादा कमाई हो पाएगी। बट इस मूवी के रिगार्डिंग आपको क्या कहना हो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी आज की मूवी न्यूज़, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस न्यूज़ से रिगार्डिंग आपको क्या क्या कहना आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।